Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about our next topic, nomenclature of double bond or triple bonds, compound containing double bond or triple bond, unsaturated compounds, unsaturated hydrocarbons. तो उनका nomenclature हम कैसे करेंगे? देखिए, तो rules for naming compounds containing double or triple bond. तो same चीज है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, जैसे हम लोग nomenclature करते चले आ रहे थे, same वही चीज़. तो पहला होगा कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा. ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है आपका, ठीक है ना, सबसे ये आपका इथाइल ग्रुप हो जाएगा. सबसे लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. जैसे इस अगर चेन को देखते हैं तो ये एक्चुअली ज्यादा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में ज्यादा था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं, तो हम उसको एज ए करेक्ट चेन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता हो. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो जैसा हम लोग करते आ रहे थे सिमिलरली वैसा ही करेंगे. तो पहला काम होगा आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. दूसरा है आपका कि जो इसके नोमेनक्लेचर में एल्केन में से ए एन हटा करके आपको ऐड करना होगा ई एन ई डबल बॉन्ड के लिए, और ऐड करना होगा वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड के लिए. ठीक है ना दोस्तों. बस तीसरा ये है, आपको कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से करनी होगी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके. ठीक है, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन इज डन सच अ वे That the carbon atoms containing multiple bonds get lowest number. जैसे देखिए यहाँ पर example के तौर पे ये हमने numbering करी left hand side से, तो 1, 2, 3, 4, 5. अगर इसको हम right hand side से करेंगे तो 1, 2, 3. अब देखिए double bond इन दोनों carbon के बीच है, तो हम सबसे lowest वाले को consider करेंगे. तो यहाँ पर lowest दूसरा carbon आएगा जो double bond के साथ attached है, यहाँ पे carbon तीसरे number पे आएगा जो कि double bond के साथ attached है. तो सबसे लोवेस्ट कौन हुआ, दो हुआ कि तीन, तो दो हुआ, मतलब कि ये वाला आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा. तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, पांच है, पेंटेन होगा, तो पेंटेन में से ए एन हटा करके ई एन ई जोड़ना है, और अब दूसरे नंबर दूसरे कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंट टू ईट, ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर, ये हो जाएगा आपका गलत. ठीक है, तो हम लोग पहले ऐसे लिखते थे कि जो डिजिट होता था पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसको पहले लिखा करते थे, लेकिन अब जो लिखने का ट्रेंड है वो ये वाला सही है. पहले ऐसे लिखा जाता था, आप अब ऐसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये तो सिमेट्रिक है, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए या इस डायरेक्शन से करिए, दोनों ही केस में ये इसको लोवेस्ट दो नंबर का कार्बन मिलेगा. तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट टू इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, पहले इसको टू ब्यूटीन कहते थे हम, इसको लिखेंगे पहले कार्बन पर है तो ब्यूट वन आइन लिखेंगे, इसको हम लोग पहले वन ब्यूटाइन कहते थे. तो दोस्तों ये वाला आप नहीं लिखिएगा एग्जाम में. और यहाँ पर नोमेनक्लेचर देखिए, आप इस तरीके से नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो डबल बॉन्ड को फोर्थ नंबर मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ नंबर मिलेगा, चूंकि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जो भी बॉन्ड्स है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा पेंट वन आइन. ठीक है, नो डाउट. चलिए अगला है आपका, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर देन फॉलोड एज एल्केन्स. बाकी हम लोग जैसे साइड चेन के लिए, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट के लिए नोमेनक्लेचर था अल्फाबेटिकल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो सब सब यहाँ पर रूल अप्लाई होंगे. सपोज करिए कि दो दो डबल बॉन्ड आ गए, तो हम चाहे देखिए अगर इस तरफ से भी करते हैं तो सेम दोनों को मिलेगा, पहले को वन मिलेगा, दूसरे को तीन मिलेगा. अगर इधर से भी करते हैं तो पहले को वन मिलेगा, दूसरे को तीन मिलेगा, तो आप किधर से भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसका नोमेनक्लेचर पेरेंट चेन ब्यूटेन है, तो दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा पहली बात, प्राइमरी सफिक्स, और वन और तीसरे कार्बन पे है तो ब्यूटा डाई इन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा. ठीक है ना, ठीक है दोस्तों. चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब याद रखिएगा डी आया है यहाँ पर, तो आप वहां पर एक एक्स्ट्रा ए लगाते थे पहले, याद करिए जब हम नोमेनक्लेचर करते थे. आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ब्यूटा क्यों लग गया है, ब्यूट क्यों नहीं है. ठीक है,
वीडियो देखने से दोस्तों ये होगा कि कम से कम आपका पीछे वाला रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि अब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप पीछे वाला वीडियो देख देंगे तो आपको एक साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलिए इसमें देखते हैं, तो चाहे आप इधर से नोमेनक्लेचर करिए, सॉरी नंबरिंग करिए, चाहे इस डायरेक्शन से नंबरिंग करिए, दोनों ही केस में ट्रिपल बॉन्ड को एक और चार नंबर मिलेंगे। तो पहली बात तो पेंटा 14 डाई आई, ठीक है। चलिए अब जो एग्जांपल्स हैं आप इन एग्जांपल्स को ट्राई करिए। तो डबल बॉन्ड को कंटेन करने वाला लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। अगर आप ऐसे चले आते हैं तो आपको एक मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन आप इसको अगर पैरेंट चेन चूज करते हैं तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को काउंट किया जाता है, याद होगा सबको। तो आपका पैरेंट चेन यही होगा, पैरेंट चेन के पहले कार्बन नंबर पे एक डबल बॉन्ड है और दूसरे और तीसरे पर इथाइल और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, तो हो जाएगा 2-ethyl-3-methyl-but-2-in, ठीक है ना। ये वोवेल है इसीलिए यहाँ नहीं लगा है ब्यूटा। अब यहां पर देख लीजिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है पहले कार्बन पे। हम इस तरीके से नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे, इस पर लोवेस्ट नंबर पर विचार नहीं करेंगे हम। अब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड और तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, तो 3-methyl-but-1-ion, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप, पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, नोमेनक्लेचर कर लीजिए 4-ethyl-4-methyl-hex-1-ion, ये आपका हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, पांचवें नंबर पर मिथाइल ग्रुप, चौथे नंबर पर मिथाइल ग्रुप और पांचवें नंबर फिर एक अगेन मिथाइल ग्रुप, तो 3 methyl group हो गए, 4-5-5-trimethyl-hex-2-in, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आपको दिया गया है तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मैंने जो वो बताया था कि कैसे आप ई हटा करके वोवेल वाला जो है ए ई आई ओ यू और वाई रहे, तो टर्मिनल ई ऑफ द इन इज ड्रॉप्ड, तो इन में से ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना। यदि इसके बाद कोई अगर ए आई ओ यू और वाई आता है तब, जैसे वाई आया तो इन में से ई को हम हटा दिए, जैसे यहां पर वाई आया तो हमने यहां डाई इन होता, डाई इन तो ई हटा दिया, ठीक है ना, ये बात है। कह रहा है कि हाउ एवर टर्मिनल ई इज नॉट ड्रॉप्ड इन केस इन डाई इन बिकॉज इट कम्स बिफोर डी ऑफ डाई एन, तो अगर डी पहले आ जाए वाई इन ई के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वाई है नहीं, उसके पहले डी आ गया तब ई को हम रिप्लेस नहीं करते, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका कुछ नोमेनक्लेचर भी है, आप यहाँ पर ध्यान से नोमेनक्लेचर को ट्राई करिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सिंपल नोमेनक्लेचर है, पहले नंबर पे कार्बन, चौथे नंबर पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड और चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हम प्रिफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, हम प्रिफरेंस देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। अभी आगे हम देखेंगे कौन दोस्तों, एक प्रिफरेंस टेबल होता है उसको पढ़ेंगे, अगर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो किसको हम प्रिफरेंस देंगे, उसके लिए आपको एक प्रिफरेंस टेबल बताया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ जान लीजिए डबल बॉन्ड को हम प्रिफरेंस देंगे, तो नोमेनक्लेचर डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, तो फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड फर्स्ट और चौथे नंबर को ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 1-in-4-ion हो जाएगा। देखिए यहाँ वाई था तो ई को हमने रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। अब यहाँ भी हम लोग डबल बॉन्ड को प्रिफरेंस देंगे, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड और पांचवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स, अब हेक्सा क्योंकि लास्ट में देखिए आपका वाई आया है, ठीक है ना, इससे नहीं लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे, तो हेक्सा 1-3-diene, ई हमने यहाँ देख रहे हैं रिप्लेस कर दिया है क्योंकि वाई आ रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ क्यों हुआ दोस्तों, अब यहाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर करते तो दूसरे नंबर पर मिलता, लेकिन इधर पहले नंबर पे ही आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है, तो इस जो पहले नंबर पे जिस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा उसी को हम चूज करेंगे, ठीक है।
जैसे यहाँ लिखा हुआ था दूसरे नंबर पे कार्बन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन यहाँ पहले ही नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसीलिए पहले ही कार्बन नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसीलिए हम इसको चूज करेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और है कि कह रहा है कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैन नॉट बी पिक, वो तो ऊपर वाला बता रहा है, आप उसी तरीके से ट्राई करिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इसमें तो देखिए, इस तरीके के कार्बन को हम कहते हैं CH2, उसको मिथाइलिन कहा जाता है, ये स्पेशल नाम है, कॉमन नेम में जनरली इस्तेमाल होता है इन सबका, इसको हम कहते हैं इथाइलिडीन, इसको कहते हैं एथिनील या विनाइल कहते हैं इसको, हम लोगों ने पढ़ा था विक जेम डाइहलाइड, विक डेमहलाइड, तो वहां पर याद होगा हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था, और ये है एथिनील। तो इस तरह के कंपाउंड्स के नोमिन, ये सब जनरली हम लोग स्पेशल केसेज हैं, आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे इन सब के विस्तार से बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, तो तीसरे नंबर पे कौन सा अगला, मिथाइलिन एक हो गया, तो 3-मिथाइलिन पेंटा 1-फ्लोराडाइन, तो 1 पे और 4 पे, तो ये मिथाइलिन ग्रुप है ये। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इस ग्रुप को क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं या एथिनील ग्रुप कहते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4-एथिनील 3-मिथाइल, 4-एथिनील 3-मिथाइल ऑक्टो, 1-in-4-6-ion, 1 और 6 ion। ठीक है, तो ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर। मैं आपको यहाँ पे कुछ टास्क दे रहा हूँ, आप इन नोमेनक्लेचर को आप ट्राई करिए, उसके बाद हम देखेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इन सबको कोशिश करने की कोशिश करें, ट्राई करने की, आप इसका सही सही फॉर्मूला लिखने की, नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।